हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, काफ़ी टाइम से मैं अपने कोई न्यू वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे एग्जाम्स आ गए थे बीच में। तो गाइस, अब से मैं रेगुलर अपनी वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और आज की हमारी जो वीडियो है, ये हमारी 5 मिस्टेक ऑफ मसल गेनिंग के ऊपर है, जो लोग हमेशा मसल गेनिंग करते समय जो 5 मिस्टेक करते हैं उसके ऊपर। और गाइस, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, वो नीचे रेड बटन दिख रहा होगा, जाके सब्सक्राइब करो, इंस्टा पर फॉलो करो, और ये मेरी इंस्टा आईडी है, जाके मुझे फॉलो करो जाके। और जो भी न्यू मतलब कि न्यू वर्कआउट या फिर कुछ डाइट वाइट पूछनी हो, बताना हो, तो जाके कमेंट में लिख दे करो, उसके ऊपर मैं न्यू वीडियो बना दूंगा। तो चलते हैं अपनी पहली मिस्टेक की तरफ। पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप दवाई खा रहे हो और परहेज कर नहीं रहे हो, तो भाई वो दवाई कहाँ से आपके शरीर में लगेगी। आप एक एग्जांपल रोल ले लीजिए कि जैसे कि कोई गाड़ी है, उसका इंजन ख़राब है और आप उसमें पेट्रोल डालने में लगे पड़े हैं। भाई, अब तो इंजन ख़राब है तो गाड़ी कहाँ से चल जाएगी, पहले आपको इंजन से ही करना पड़ेगा ना। इसी के बेसिक से लेकर एक ऊपर लेवल तक का मैं आज आपको इसमें समझा दूँ सब कुछ, कि आप कैसे आप मसल गेनिंग करो और कैसे क्या क्या गलती करते हो मसल गेनिंग करते हुए। तो भाई, जो पहली जो मिस्टेक है वो ये है कि आप खाते हो, कितना भी खाते हो, आप खाओ जितना हो सके दबा के खाओ, क्योंकि लोगों का कहना ये है, जितने भी लोग हैं, भाई तू सूखा है, इससे बड़े कुछ खा ले कर ही, आप तेरा अपना वेट बढ़ा, कुछ खा पी ले। तो भाई, सारा जितना भी उस बंदे के दिमाग में जो भर जाता है, एक चीज़ भरती है, वो क्या, खाओ। खाने से क्या है, वो सोचता है वो वेट गेन होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप खाने में तो लगे पड़े हो और आपको लग कुछ नहीं है, जब तक आपका पाचन तंत्र सही नहीं है, तो भाई कहाँ से फ़ायदा है। आप हर घंटे कुछ ना कुछ खाने में लगा पड़े हो भाई, जब तक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं होगा, जब तक आपको कुछ फ़ायदा नहीं करेगा, क्योंकि आप खाने में तो लगे पड़े हो और पेट में जाके वो पची नहीं रहा, तो फ़ायदा क्या है। और इसी की वजह से आप इतना इतना तो खा रहे हो और लग कुछ नहीं रहा, इसलिए फिर चार लोग और ये कहेंगे कि भाई कितना खाता है फिर भी लग नहीं रहा, चार रोटी खा रहे हो, पाँच खा रहे हो, छः खा रहे हो, लग नहीं रहा है। तो आपको सबसे पहले अपना डाइजेस्टिव सिस्टम सही करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ क्या खाना पड़ेगा, उसके लिए आपको कच्ची सब्जी खानी पड़ेगी, क्योंकि कच्ची सब्जी खाने से क्या है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत अच्छे से वर्क करेगा। और कुछ लोग क्या है, पकी सब्जी ये सब खा लेते हैं, उससे क्या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर पाता है ठीक से। तो उसके लिए आपको कच्ची सब्जी खानी पड़ेगी। उसके लिए मैं बताता हूँ आपको कि आलू की सब्जी हो गई, गोभी हो गई, ये सब आपको खाना पड़ेगा, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही होगा। तो गाइज़, हमारी जो सेकंड जो मिस्टेक है वो ये है कि कुछ लोग क्या हद से ज़्यादा एक ही चीज़ सोचते हैं कि भाई खाना खाने से ही वेट बढ़ेगा। भाई, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में जितना भी मतलब कि जब वर्कआउट करना शुरू करा है, जब से लेके अब तक मुझे 1 साल हो गया, आप देख सकते हो, खाली खाना खाने से कुछ नहीं होता, आपको थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, जिससे आपके मसल खिंचेंगी, स्ट्रेच होंगे और खाना जब भी लगेगा उसमें, क्योंकि आप स्ट्रेच कर नहीं रहे हो, वर्कआउट कर नहीं रहे हो, तो खाना कहाँ जाएगा, डाइजेस्ट भी नहीं होगा अच्छे से, क्योंकि आपको डाइजेस्ट करने के लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, होम वर्कआउट करना पड़ेगा। अगर आप जिम प्रेफर नहीं कर पा रहे हो, तो मैंने अपनी जितनी पहले की वीडियो सारी मेरी होम वर्कआउट के ऊपर है, जाके आप देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और साथ में गाइस, आपको थोड़ा बहुत वर्कआउट करना पड़ेगा ताकि आपका मसल और मास गेन हो। जब तक आप वर्कआउट नहीं करोगे, अब तक कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डाइजेस्ट वर्कआउट करने से क्या है, आपको भूख भी बढ़ेगी, डाइजेस्ट भी खाना होगा, और साथ में जो मसल आपकी ब्रेकडाउन होगी वो भी अच्छे से बनेगी, अगर आप अच्छे से वर्कआउट कर रहे हो और डाइट अच्छी ले रहे हो। तो आपको डाइट अच्छे से लेनी पड़ेगी और अपने डाइट का शेड्यूल चेंज करो, क्योंकि आप जब अभी से जब से लेकर अब तक जो एक डाइट जो फॉलो करते आ रहे हो, उससे अगर फ़र्क नहीं दिख रहा, तो आप अपनी डाइट आज ही शेड्यूल चेंज कीजिए। उसमें आप चने ले सकते हो, आप सोयाबीन के मतलब सोयाबीन बरी ले सकते हो, और साथ में एक वो आते हैं हरी कलर की दाल, वो भी ले सकते हो, वो रात में भिगो दो, सुबह आराम से खाओ वो, उससे क्या है आपके सिस्टम भी उससे वर्क अच्छा करता है उन चीज़ों से। हमारी तीसरी जो मिस्टेक है वो ये है कि कुछ लोग मतलब बात जब आती है वेट गेन करने की, तो लोगों के दिमाग में बस एक ही चीज़ बैठी होती है कि भाई जितना हो सके उतना खाओ, जितना हो सके। और किसी और से भी पूछोगे ना आप जाके, तो भाई वो यही कहेगा, भाई तू खाना खाए कर, अच्छे से खाए कर, पिएगा जब भी शरीर में लगेगा। तो भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा खाने से भी आपका मास गेन नहीं होगा, क्योंकि आप अच्छे से चबा नहीं रहे हो, अच्छे से च्यूइंग नहीं कर रहे हो, चबा के नहीं खा रहे हो, तो आप डाइजेस्ट खाओगा, खा इतना इतना रहे हो, लग शरीर में कुछ नहीं रहा है, तो वही तो कारण है। अच्छे से चबा के खाओगे तो भाई डाइजेस्टिव जल्दी होगा, जल्दी भूख लगेगी, फिर और खाओगे, तो भाई थोड़ा खाओ, चबा के खाओ, अच्छे से खाओ, क्योंकि चबाने से क्या आपका डाइजेस्ट खाना जल्दी हो जाता है काफ़ी उसके अकॉर्डिंग। तो आप जितना हो सके अच्छे से चबा के खाओ। तो गाइस, जो हमारी जो फोर्थ जो मिस्टेक है वो ये है कि अपने वजन बढ़ाने के चक्कर में बहुत लोग क्या बाहर की चीज़ें खाने लग जाते हैं, फास्ट फूड खाने लग जाते हैं, बर्गर, चाउमीन, ये सब। यार देखो, हमें वजन बढ़ाना है और साथ में वजन बढ़ाने के साथ साथ हमें ताकत भी चाहिए। ये थोड़ी ना खाली मोटे मोटे हो जाओ और फायदा कुछ नहीं है, स्ट्रेंथ है नहीं, आलसपन आ रहा है, रनिंग नहीं कर पा रहे, वर्कआउट नहीं कर पा रहे, तो भाई ऐसा भी मोटापा लेके क्या फ़ायदा। इसलिए जितना हो सके बाहर की चीज़ें जो भी है
चिल्ली पटेटो चाउमीन बर्गर वर्गर इन चीज़ों से अवॉइड करो। ये चीज़ें खाने में तो अच्छी हैं पर अंदर जाके हमारा शरीर ख़राब कर रही हैं, आपको ये नहीं पता है, क्योंकि वो लोग पता नहीं कब के तेल से बना के खिला रहे हैं कब के उससे। तो जितना हो सके वो चीज़ें अवॉइड करो। और मैं आपको बताता हूँ, आप अपने मील का जो शेड्यूल है वो चेंज करो, उसमें आप जितना हो सके दिन में दही खाओ, केले खाओ। अब ये तो है नहीं कि केले एक एक दर्जन खाओगे, भाई पाँच केले खाओ, पाँच केले दिन के बहुत हैं, दो केले वर्कआउट से पहले, दो केले वर्कआउट के बाद, उसके बाद फिर आप शाम को दो केले खा सकते हो, उसके बाद सोने से पहले दो केले खा सकते हो। और हाँ, केले खाने से पहले आप एक चीज़ और ध्यान में रखना, केले का जूस ज़रूर लेना है, क्योंकि वो हमारा बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, जिसके कारण आपका वज़न बढ़ने में बहुत जल्दी हेल्प होगी। और साथ में आप पूरे दिन में आप दही का भी यूज़ कर सकते हो, दही भी हमारे बॉडी के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। तो जितना हो सके केले और दही, इन दो चीज़ों का यूज़ करिए, जिससे आपका वज़न बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगा। हमारी जो लास्ट जो मिस्टेक है वो ये है कि भाई जितने भी वर्कआउट करने वाले हो उनके लिए कहना चाहूँगा, भाई जितना हो सके हैवी वर्कआउट करो। क्यों? हैवी वर्कआउट करने से क्या, आपके मसल पे जितना हो सके उतना फोकस जाता है, और साथ में आपकी मसल भी खिंचती है, जिसके कारण आप जो भी कुछ खाओगे वो आपके मसल में डायरेक्ट लगेगा। क्योंकि बहुत लोग एक ही चीज़ क्या करते हैं, वो लाइट वेट से ही वर्कआउट करते हैं, लाइट वेट से ही करके चले जाते हैं, और वही फिर खाना वाना खाते हैं। लाइट वेट से क्या, कटिंग आएगी आपकी, शेप नहीं आएगी, मतलब कि चौड़ापन नहीं आएगा। अगर आपको चौड़ापन चाहिए, आपको ऐसा बाइसेप चाहिए, तो आपको हैवी वेट लेना पड़ेगा। चाहे हैवी वेट में आप चाहे 5 रैप्स लगाओ, 6 रैप्स लगाओ, 7 या 8, वो आपके ऊपर है। पर ये नहीं कि आप लाइट वेट लो, क्योंकि हैवी वेट से क्या, आपका सीधा मसल पे ही फोकस जाता है, और साथ में आपके माइंड मसल कनेक्शन के साथ करोगे तो आपके मसल में ही बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट होगा ये चीज़। तो आप जितना हो सके हैवी वेट के साथ करिए। अब मैं इतना भी नहीं कह रहा कि आप 30 किलो ले लो, 40 किलो ले लो, नहीं भाई, 12 किलो 10 किलो जितना आप हो सके, पर जितना आप लाइट वेट यूज़ करते हो उससे थोड़ा एक्स्ट्रा लेके करो। और गारंटी से मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको फ़र्क दिखेगा कुछ दिनों में। तो गाइज, यही थे मेरी 5 मिस्टेक जो बंदे मतलब कि मसल गेन करने में जो 5 मिस्टेक जो करते हैं वो थी ये। तो गाइज, इन 5 मिस्टेक को अवॉइड करो जितना हो सके।